अमृतसर के लोहगढ़ इलाके में बनी झोगियों में देर रात 12 बजे एक कार घुस गई, जिसमें 8 लोग की जान जाती जाती बची। हादसा इतना भयानक था कि इसमें 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं पारिवारिक सदस्यों की मानी जाए तो वो देर रात सो रहे थे, अचानक से उनके घर में कार घुस गई, जिसके कारण हमारे 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। उन्होंने कहा जिसमें 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और 2 बड़े हैं। उन्होंने कहा कि चालक द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाई जा रही थी, जिसके कारण उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और हमारे घर में आकर टकरा गई। वहीं उन्होंने कहा कि गाड़ी में शराब की बोतलें और नशे के पदार्थ भी पड़े हुए थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन करनी शुरू कर दी है। जिस व्यक्ति द्वारा कार से टक्कर मारी गई थी उसको भी हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने कहा कि हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। फिलहाल हमने गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा नाम सोनिया है। लोग अड़े पुल चुगियां लग गई। की गल बात हो रही है? हादसा बहुत तगड़ा है भाजी, तो देखने वाले भी लग रहा कि किड्डा तगड़ा हादसा। साढ़े 12 बजे का टाइम सी और शराब च रजिया रहा सी, सीधा बर्फ की एक दुकान सी, अगे ठेला लग्या रहा सी, उतों इधर आके सीधा इन्होंने उधर मारी। तो बेचारे 8 घर के मैंबर से सारे, जिन्होंने 5 जनिया सट्टा लगियां, तो 2 बंदे ज्यादा सीरियस है, कुड़ी ते ओदा मुंडा 12 साल। हाँ जी भाजी, हुण कारवाई देखेगी तद जी होएगी, हाले तक कोई फिलहाल पहुंचा नहीं हॉस्पिटल, जिहड़ी कुड़ी दाखल है उत्थे। हाँ जी भाजी, ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣ। ਬਾਰਾਂ ਸਾਢੇ 12 ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਤ, ਹਮ ਤੋ ਸਾਰੇ ਸੋਏ ਹੋਏ ਥੇ, ਹਮਕੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਜਬ ਹਮਾਰੇ ਪੇ ਦੀਵਾਰੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੇ, ਪਿੱਛੇ ਖਿੜਕੀ ਸੇ, ਆਗੇ ਸੇ ਤੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ। ਤੋ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਥੇ ਅੰਦਰ? 8 ਜਣੇ ਥੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਤਨੋ ਕੋ ਚੋਟੇ ਲੱਗੀ? ਉਨਮੇ ਸੇ 5 ਜਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ। बच्चे कितने और बड़े? बच्चे 3 हैं, 2 बड़े हैं। तो अभी क्या डॉक्टरों ने क्या कहा? अभी डॉक्टरों ने तो अभी तक कुछ नहीं बोला, अभी टांके वोंके लगाए उनको, लड़के को 10 टांके लगे हुए, घरवाली मेरे को 8 टांके लगे हुए, चोटें उनको काफ़ी गहरी लगी। अभी उनका सीटी साइंस होना है, वो बत्ती नहीं थी उधर पे, बत्ती चली गई थी, सीटी साइंस होएगा उसके बाद ही रिपोर्टें मिलेंगी क्या है क्या। शराब वगैरह पी हुई थी? हाँ जी शराब पी हुई थी, उसकी गाड़ी में से भी शराब बरामद हुई है। तो पुलिस प्रशासन पहुंचा, पुलिस ने क्या किया अभी तक? पुलिस ने तो अभी तक कुछ उनको ही ले गए, तो गाड़ी यहाँ से ले गए, बाकी कुछ नहीं उन्होंने किया अभी तक। तो क्या इंसाफ क्या मांगते हैं क्या होना? हम तो इंसाफ साफ देखो, हमारा घर टूट गया, बड़ी मुश्किल से पैसे लगाए थे इसके ऊपर, बड़ी मेहनत करके पैसे लगाए थे, बनाया था घर, अब गरीबों को यही इंसाफ चाहिए, घर हमारा घर हमको मिलना चाहिए, जो हमारा नुकसान हुआ उसका हर्जाना होना चाहिए। ਰਾਤੀ ਜੀ 12:30 ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ PPJPU DC 6611 ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਮ ਸਾਰਾ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਫਿਸਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਡਮਿਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ। 2 ਪੇਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਨਿਕਲੀ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈਗੀ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਫ ਪਿਆ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਤੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।